ग्राम सुनारी में आज इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान पूर्व प्रत्याशी लियाकत अली जी, प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, उप प्रधान साहब, मेहरिया साहब, ज्ञान जी मेहरिया साहब, छगन जी गरवा साहब, कान्हा राम जी मेघवाल साहब, फेजुखा जी पार्षद साहब, रमजान जी भाइयों के दद्दाईमा जी, कैलाश जी निठारवाल साहब, शहर अध्यक्ष अमीन खान जी, गोविंद जी मंडा साहब, शौकत खान जी, पीसीसी सदस्य श्याम जी नाइक साहब, गोपाल जी मेघवाल सरपंच साहब, समस्त पधारे सारे ग्राम सुनारी से बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहने, आज से 5 साल पहले इसी जगह चुनावी सभा में हम लोग आपके बीच आए थे और चुनाव का पहला दिन, प्रचार का पहला दिन उस दिन था और आप लोगों ने जो सहयोग और आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जो सहयोग रखा, उसके बदौलत 5 साल विधायक बनने का मौका मुझे आप लोगों ने दिया और हमने ये प्रयास किया कि 5 साल में चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा विकास के कामों में हम लोग आपके यहाँ भागीदार हो सके। और आज जब वापस आप लोगों के बीच इस प्रचार में हम आए हैं तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पिछली बार टिकट के बाद कांग्रेस पार्टी के वोटों का बंटवारा हुआ, अन्य उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी से खड़े हो गए, लेकिन आज जब वापस कांग्रेस विचारधारा की तरफ से आप सबके सहयोग ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने जब आशीर्वाद देकर मुझे अकेले कैंडिडेट के तौर पर, कांग्रेस विचारधारा के वोटों के कैंडिडेट के तौर पर जब आपके बीच खड़ा किया, और जो लोग पिछली दफा कांग्रेस परिवार से दूसरी तरफ भी वोट डाले, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हर गांव में वापस कांग्रेस का परिवार बढ़ता जा रहा है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। आज उम्मीदवार के तौर पर मैं आपके सामने हूं और उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके सामने रखा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पिछले बार टिकट दिया क्योंकि मैं एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी की राजनीति मैंने की और संगठन में मैं एक्टिव हमेशा सक्रिय रहा, इसलिए मुझे टिकट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट का बंटवारा हुआ है, यहाँ कम से कम 25 लोग इस भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे और सभी जाति धर्म के लोग थे, सभी जातियों के उसमें आदमी थे, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो जो पार्टी परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसको, उनको किसी ने भी 5 साल, मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में प्रचार करते हुए किसी पद पे पार्टी पे, सिर्फ ठाकुर साहब के बेटे, इसके अलावा उनकी कोई काबिलियत मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उनकी थी। आज बहुत से कैंडिडेट थे जिन्होंने 5 साल जी जान लगा के भाजपा को सींचा, कांग्रेस में भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, जब टिकट का बंटवारा हुआ हम सब ने एकजुट होकर, पहले ये कहा था मैंने मन से कि जिसको पार्टी टिकट दे देगी मैं उसके साथ हूँ, मैं मेरा सिंबल चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आज जब पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा, कार्यकर्ताओं का सबका सहयोग कांग्रेस के साथ मेरे साथ बना। हम सबको समझना पड़ेगा कि पिछले 5 साल मुझे आपने जिताकर भेजा, मेरे आपके सामने है, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उस राज्य में आज छोटी से छोटी समस्या होती है, छोटी से छोटी कोई परेशानी आती है तो उसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और आप लोग जब वोट देकर हमें काबिल बनाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उस समस्या को हम सुने। पीछे 5 साल में किस तरीके से लाड़नू में बदमाशी हुई, अपहरण हुए, मर्डर हुए, पुलिस के अधिकारियों पे गोलियां चली, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो 5 साल और ये 5 साल, इसमें तुलना करनी पड़ेगी। हमने चाहे कोई कांग्रेस का आदमी हो चाहे भाजपा का आदमी हो, किसी को बदमाशी करने की हमने छूट नहीं दी, हमने कहा शांति से काम करना है, पूरी पार्टी आपके सामने है, जितने पदाधिकारी हैं,
सबने मिलजुल कर उसमें काम किया। भाजपा में जो विधायक थे तो थाने का अलग विधायक होता था, तहसील का अलग होता था, पुलिस में अलग होता था, हॉस्पिटल में अलग होता था, सबने सेवा जरूर की है लेकिन किसी भी आदमी ने दुरुपयोग नहीं किया। आज पुणे जब चुनाव चल रहे हैं तो भाजपा ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देकर भेजा, वो क्यों दिया? मैंने पहले भाषण में भी कहा, जब मैं टिकट लेकर आया जब भी मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 5000 लोगों से यहां सर्वे किया, उसमें अन्य लोगों का भी नाम आया, मेरा भी आया, लेकिन उसमें संख्या प्रतिशत मेरा ज्यादा था। तो ये टिकट आप लोगों के भरोसे मुझे देकर भेजा है। और भाजपा में जो टिकट जारी हुई है वो हमें समझना पड़ेगा, जो हार्डकोर अपराधी है, जो हिस्ट्री सीटर है, उनकी रिकमेंडेशन पे वो टिकट जारी हुई है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। और आज सब मंचों से किस तरह की बातें हो रही है, जिन गांवों में जाओ, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, 5 साल हमने बहुत शांति से बिताए इस लाडलू में, बिना बदमाशी के निकाले, तो हमें एक विधायक चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए, तो आप लोग वोट दें। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब विधायक कोई हो हमें समझ लेना, सब है जो खड़े हैं इस मंच पे, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसान वर्ग ज्यादा इस बेल्ट में है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमने पीछे भी प्रयास किया, जब भी आपके यहाँ बड़ी डीपी की मांग थी, काफी आपने यहाँ आंदोलन भी किया, अधिकारी आए, वो मांग पूरी हुई, VCR की समस्या काफी कम थी, फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो बिजली का जो जरूरत की जो बेल्ट है, जो किसानी बेल्ट है लंबा, इसमें हम अलग तरीके की योजनाएं, अलग GSS आने वाले समय में, इस बार तहसील स्तर पर कॉलेज हमने खुलाया, कोर्ट हमने खुलाया, DYSP हमने खोला, सीवरेज व्यवस्था हुई और सारी काम करे। इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरा 5 साल आपने जिता कर भेजा, तो मेरा फोकस किसान और बिजली के ऊपर रहेगा, इस बात का आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। मैं उन्हें सभी जितने यहाँ नेता बैठे हैं, जितने भी किसान वर्ग से यहाँ आए हुए लोग हैं, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर 36 कौम को साथ लेकर